Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you are doing well. Friend, this video is all about money plant growth hacks. तो friends, अगर आपके भी money plant में growth अच्छी नहीं हो रही है, आपका money plant सूख जाता है या फिर उसमें जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे size के निकलते हैं, तो आज का आप ये video पूरा देखिएगा. आपको मैं बहुत ही आसान से कुछ hacks बताऊंगी, अगर आप जिन्हें follow करते हो तो आपका भी money plant इसी तरीके से बिल्कुल घना हो जाएगा, जैसा कि आप मेरे इस प्लांट को देख सकते हो. मैंने पूरा आपको घुमा कर भी दिखा दिया कि इसकी ग्रोथ कितने अच्छे से हो रही है. देखिए फ्रेंड, मनी प्लांट जो होता है एक बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट होता है. यूजुअली लोग इसे लगाते भी हैं अपने घरों में, एक डेकोरेशन के तौर पे भी लगाते हैं, और प्लस ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ग्रो होता है. लेकिन बस इसमें एक जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस की जाती है कि प्लांट जो होता है वो घना नहीं हो पाता है. तो सबसे पहला जो हैक मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगी, देखिए मनी प्लांट जो होता है उसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है, इसके साथ साथ वो खुली जो हवा होती है वो पसंद करता है. तो आपके प्लांट में इस तरीके से जो जहां कहीं पे भी पुराने जो सड़े गले पत्ते होते हैं उनको आपको जरूर अंदर से देख लेना है कि वहां पर कहीं पे भी आपको, देखिए पानी हम डालते हैं तो पत्ते जो होते हैं जब गलने के बाद तो उसमें कीड़ों का अटैक हो जाता है, तो इसको आपको हटा देना है. तो मेन रीजन ये भी होता है कि आपका प्लांट जो होता है वो हेल्दी नहीं होता, कई बार उसमें आपको अंदर से प्लांट में पेस्ट अटैक हुआ होता है एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से. तो इस चीज़ का आपको ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखना है. प्लस इस प्लांट को जो मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है इन एडिशन टू ह्यूमिडिटी, तभी ये इतना लश्ली आप जो ग्रीन ग्रोथ देख रहे हो वो पॉसिबल होगी. उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये काम करते रहना होगा कि आप जब भी अपने प्लांट में, देखिए पानी तब डालना जब प्लांट से मॉइस्चर जो हो सॉइल से उड़ने लगे, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब आप पानी डाल रहे हो, तो ये करना है. इसके साथ साथ मिस्टिंग भी आपको करना है ताकि आपके प्लांट में ह्यूमिडिटी भी बनी रहे. इसके साथ फ्रेंड्स आपको तीसरा हैक है वो आपको इस तरीके से एक इसको मॉस्टिक का सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर देना है. अगर आप इस तरीके से मार्केट में जो नर्सरीज पे मॉस्टिक मिलती है वो अगर आपको मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाती है तो आप DIY भी कर सकते हो. जो बोरे होते हैं उसको आप स्टिक में बांध कर आप उससे भी मॉस्टिक बना सकते हो. इसके साथ साथ झाड़ू जो वेस्ट होती है उससे भी आप बना सकते हो. फिर आप जब ये मॉस्टिक लगा देते हो तो फ्रेंड्स इसको भी तर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो पानी जब डालते हैं तो सबसे पहले ऊपर इस मॉस्टिक को तर कीजिए, तब आप नीचे पानी डालिए, फिर मिस्टिंग कीजिए. तो अगर आप इस तरीके से अपने प्लांट को पानी डालोगे तो आपके प्लांट में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी, और नीचे जो ड्रेनेज होल वो भी फ्रेंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाना चाहिए. मॉइस्चर पसंद होता है, हम अच्छे से मिस्टिंग वगैरह करते हैं लेकिन सॉइल में जो हो वो आपकी सॉगी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल उसमें पानी ठहरा हुआ, अगर ये रहेगा तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है. इसके साथ आपको नेक्स्ट हैक जो फॉलो करना होगा वो आपको आइडली 12 इंच के पॉट से आप मनी प्लांट को लगाने की शुरुआत करें, तभी आपको काफ़ी घना प्लांट देखने को मिलेगा. जितना बड़ा पॉट होगा उतना बड़ा आपको फोलियज ग्रोथ भी अपने प्लांट में देखने को मिलेगा. तो शुरुआत करिए तो 12 इंच से, फिर लेटर ऑन आप इसको बढ़ा भी सकते हो. अब अगर आपने छोटे से पॉट में लगा दिया तो फिर फ्रेंड्स उसको स्पेस नहीं मिलेगा आपके प्लांट को बढ़ने के लिए. इसके साथ साथ हम मॉस्टिक भी लगाते हैं तो वो भी एक तरीके से जगह को लेती है प्लांट के साथ साथ, आप जब जो पॉट होता है उसके अंदर जब लगाते होते हो तो वो भी अच्छी खासी जगह ले लेती है. छोटे पॉट में मॉस्टिक अच्छे से एडजस्ट भी नहीं कर पाएगी, तो प्लस प्लांट को सपोर्ट जो होगा वो तो मिल जाएगा लेकिन नीचे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसकी न्यू शूट्स नहीं निकल पाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा. इसके साथ आपका अगर मनी प्लांट बुशी नहीं हो पा रहा तो एक हैक आप ये भी फॉलो कर सकते हो, आप इसकी प्रूनिंग भी करिए टाइमली, जैसे कटाई छटाई करिए और जो थोड़ी सी ब्रांच बड़ी हो जा रही है उसको आप सपोर्ट दे दीजिए. इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बताती हूँ जो कि इसकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, वो ये है होता है खड़िया. बस इतना छोटा सा टुकड़ा इस प्लांट के लिए सफिशेंट है, आपको इस तरीके से एक मग पानी में इस पीस को डाल देना है. विद इन फ्रेंड 5 मिनट्स आपका ये जो पानी है वो इस तरीके से मिल्की वाइट हो जाता है. ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, चूँकि प्लांट को ब्रांचेस जो हों वो मजबूत बने, लीव्स जो हों उनका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा हो,
शाइनी लीव्स हो और जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो फ्रेंड्स इक्वली प्रोपोर्शनेट में हो, मतलब ये ना हो किसी का साइज कुछ निकल रहा है किसी का साइज कुछ निकल रहा है, तो उसके लिए भी कैल्शियम का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको महीने में एक बार डाल देना है और इसके बाद फ्रेंड्स जो कि ग्रोइंग पीरियड में डालना है आपको वैसे नहीं डालना होगा। अब नीम ऑयल का स्प्रे भी आपको 15 दिन में एक बार ज़रूर से ज़रूर कर देना। इसके कई सारे फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपके प्लांट को ये कीड़े पतंगों से बचाता है, मतलब पेस्ट अटैक से बचाता है, और एज अ प्रिकॉशनरी भी डाल दीजिए अगर आपके प्लांट्स पे किसी भी तरीके का पेस्ट अटैक ना हुआ हो। और इसके साथ एक फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है, जैसे आपके प्लांट की जो मनी प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो कई बार पेल जैसी दिखती हैं या फिर मतलब उसमें चमक नहीं रह पाती हो, बिल्कुल मतलब अजीब सा कलर रहता है, साफ़ सुथरे आपके प्लांट की लीव्स नहीं दिखती। तो चूँकि नीम ऑयल जो होता है ऑयल फॉर्म में होता है, उसमें हम थोड़ा सा सोप सोल्यूशन मिला के पानी में मिला के देन स्प्रे करते हैं, तो जो उसकी चिकनाहट होती है वो आपके प्लांट की लीव्स पर रहेंगी, तो इससे आपके प्लांट की जो लीव्स होंगी वो भी ग्लॉसी होंगी। इसके साथ साथ कोई भी तरीके की फ्लाइज हैं या फिर पेस्ट हैं वो इनकी पत्तियों पर नहीं बैठेंगी, उसकी खुशबू भी रहेगी, और प्लस नीम ऑयल जो होता है वो इको फ्रेंडली भी होता है, तो आपके जो पॉलिनेटर्स जो गार्डन में आते जाते हैं उनको किसी तरीके का हार्म नहीं होगा, और आपकी पत्तियां देख सकते हो इसी तरीके से ग्लॉसी रहेंगी और साफ सुथरी रहेंगी। तो फ्रेंड्स मनी प्लांट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ईजी टू केयर प्लांट होता है, बस आप इसे ब्राइट फिल्टर्ड जो इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो होंगी वो जलने लगेंगी, भूरी हो जाएंगी, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो सनलाइट का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करे। इसमें आप मिस्टिंग और वाटरिंग टाइमली करते रहिए तो भी इस प्लांट को एनर्जी मिलती रहती है। फर्टिलाइज़र जो मेन फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इसे गोबर की खाद और नीम खली से साल में सिर्फ 2 बार फर्टिलाइज़ कर देंगे, बस उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे आप खड़िया का जो पानी होगा वो आपको महीने में एक बार इसके ग्रोइंग पीरियड में डालना होगा। इसके डोमेंसी के पीरियड में आपको कुछ भी इसमें कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डालना है। इसके साथ साथ टाइमली आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, प्लस आप इसे एक सपोर्ट दे देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से और लशली ग्रो करेगा। तो जो फ्रेंड्स आज मैंने आपको हैक्स बताएं उनको आप ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत और एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है। तो आप के घर की एक ये रिक्वायरमेंट होता है कि कुछ ऐसे प्लांट को आप ज़रूर से ज़रूर लगाइए जो आपके घर की एयर को भी शुद्ध रखे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।